नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। शादी की पहली रात मतलब कि सुहागरात। सुहागरात नाम सुनते ही लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और इसके बारे में लोगों ने बहुत सारे बातें भी सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी की पहली रात को सुहागरात क्यों कहते हैं? अगर यह वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आपके माता पिता गाँव या देहात के हैं तो उनसे पूछना। पहले जमाने में शादी के समय दुल्हन नेट के दुपट्टे में नहीं बल्कि एक सुंदर सी साड़ी पहनकर आती थी और वह सफ़ेद चादर से ढकी होती थी जिसमें सिर्फ सिंदूर के समय में माथा दिखता था। फिर विदाई होती थी जो सुबह के समय में ही होती थी और घर पहुंचते ही दुल्हन से हल्दी की ठपकी लगाई जाती थी, यानी कि नई बहू से उनके हाथों पर दीवार पर स्टैंप लगाया जाता था। फिर उसके बाद पकवान बनाना और फिर मुँह दिखाई होता था। अब आप सुनिए, इनमें से किसी भी समय में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से रूबरू नहीं हो पाए। अब आएगी वो रात जिसमें दूल्हा और दुल्हन पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं और एकांत में एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे के बारे में जान सकते थे। दो अजनबी एक कमरे में जिनको जीवन भर साथ रहना है, धीरे धीरे एक दूसरे के अलावा पूरे परिवार को समझना है और एक ही बिस्तर पर एडजस्ट भी करना है। इसलिए पहली रात को यानी कि सुहाग के साथ बीती हुई पहली रात को सुहागरात बोला जाता था और आज के समय में लोगों ने इसे एक अलग ही पहलू दे दिया है और इस चीज़ के कल्चर को कुछ और ही बनाकर पेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना।